गोवा एयरपोर्ट, डबल एम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर कई और एयरपोर्ट से कंपैरिजन करें, दिल्ली से फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत सुना सुना लगता है। दिस इज द ड्राइंग रूम एरिया, द प्लेस फॉर प्लेस टू स्लीप फॉर टू पीपल। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम आ गए यहाँ पे गोवा दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेके। सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा था एयरपोर्ट पे, क्योंकि कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी इजीली चेक इन वगैरह हो गया। सो दिस इज द गोवा एयरपोर्ट, डबल एम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर कई और एयरपोर्ट से कंपेरिजन करें दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत सुना सुना लगता है इन कंपैरिजन। इट इज़ अ मच स्मॉलर एयरपोर्ट, फ्यूअर गेट्स। मैं तो सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट अच्छे से देखे भी हैं और दोनों एयरपोर्ट्स में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड भी किया है। बट आई वुड से द डेकोर इट्सेल्फ इज प्रिटी नाइस, एज आई कैन शो यू अराउंड। यहाँ पे ट्राइब्स इंडिया का एक शॉप है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का स्टोर है, जीआई स्टोर। इट्स वेल लेबल्ड एंड यू कैन सी सम गोवा हाउस डिजाइंस इन द फ्रंट। सो छोटा है लेकिन अच्छा है। प्रोबेबली फिफ्थ, जैसा कि मेरे को पता चला, 5 जुलाई के ऑनवर्ड्स मापो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में दूसरा एयरपोर्ट बना है, उस पर भी और फ्लाइट्स लैंड करने लगेंगी अपार्ट फ्रॉम गोवा अकासा एयर। सो देयरफॉर देयर विल बी मोर ट्रैफिक डाइवर्टेड टू दैट साइड एंड देयर विल बी मोर फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक विद इन दिस एयरपोर्ट। सो लेट्स सी अगली बार कब गोवा आना आता है। फिलहाल मन तो नहीं कर रहा गोवा से जाने का, पर क्या करे। टाइम से अबाउट 10 o'clock के आसपास पहुंच गए। बट यू नो द फनी पार्ट, जब हमारा टैक्सी वगैरह सब कुछ एलोकेटेड था, लेकिन टैक्सी के अंदर गए तो पता चला कि एक बच्चे ने पीछे उसमें वॉमिटिंग कर रखी थी। तो ऑब्वियसली इनिशियली तो समझ में आया नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स बट घुसने से जस्ट पहले हम लोग ने थैंकफुली उसे नोटिस कर दिया, तो काफी टाइम हमारा वहां निकल गया, लेकिन अदरवाइज इट वॉज ऑल पीसफुल। ये यहाँ पे बैल्कनी एरिया से मैं शुरू कर रहा हूँ। सो दिस इज द आउटसाइड व्यू। यहाँ से सुबह से निकल के काफी अच्छा लग रहा था एंड इट वॉज सरप्राइजिंगली कूल। हमने सोचा था कि गर्म होगा काफी, लेकिन इट वॉज क्वाइट कूल एट द मॉर्निंग एट अराउंड 8 o'clock हियर। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऊपर एक सिग्नल बूस्टर भी दे रखा है इस घर में, बिकॉज वोडाफोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एंड अदर फ्यू मोबाइल नेटवर्क्स आर नॉट दैट स्ट्रांग इन दिस एरिया। सो जियो इज अ गुड नेटवर्क हियर। हम लोगों को 24 Mbps का स्पीड एक दे रखा है यहाँ पे इंटरनेट के लिए, विच इज क्वाइट ओके फॉर वर्क। एंड दिस इज द ड्राइंग रूम एरिया, द प्लेस टू स्लीप फॉर टू पीपल। यहाँ से आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस। सामने एक ओपन किचन दे रखा है। एज सच इक्विपमेंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा आप नहीं देख सकेंगे। हम लोगों को एक स्टोव और एक केटल दे रखा है। यहाँ पर देयर आर सम कैबिनेट्स। सो बेसिक स्टफ इज ऑल देयर। ओवरऑल वेंटिलेशन इन दिस हाउस इज प्रीटी गुड आई वुड से। यहाँ पे पीछे एक बैल्कनी भी है जो घर की तरफ खुलता है, बाकी घरों की तरफ खुलता है। एंड इधर एक वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो ये एक बेडरूम है, एक मास्टर, एक ही है एक्चुअली, मास्टर बेडरूम है। तो इट्स अ किंग साइज डबल बेड।
और यहाँ पे स्पेस दे रखा है काफ़ी सामान वामान लटकाने का। एसी भी है और दो साइड पे चार्जिंग के पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड देर इज़ अ साइड टेबल हियर एंड देर इज़ अ साइड टेबल नियर द ड्रेसिंग टेबल। तो ये पूरा टेस्टफुली बना हुआ कमरा, वंस अगेन लुकिंग आउट टू द सेम व्यू दैट यू सॉ अर्लियर इन द प्रीवियस बैल्कनी। और यहाँ पे कुछ कुछ आर्ट फॉर्म्स डाल रखे हैं। द फर्स्ट प्लेस दैट वी विजिटेड वॉज द उल्टा पुल्टा म्यूजियम दैट यू कैन सी हियर। इसमें बहुत सारे इन्वर्टेड और सीधे इमेजेस के थ्रू इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, डाबुलिम में ही है, हमारे एयरबीएनबी के बहुत ही पास था। Thank you. This is for a very pretty and sweet queen. And I already gave the cute and gorgeous princesses ticket to her. So these are the steps to go up the House of Houses of Goa Museum. There are three floors here. It's mostly all self-explanatory. There are illustrations of how the houses used to look back in time. These are the house plans. Sometimes I really wish I had such a house. Future plan में तो definitely होगा। Comment करके बताइए आप में आपको इनमें से कौन से घर पसंद है। This kind of architecture in between, you can be sure that this would be a Muslim house as seen in this Goan region. Interesting information.
little bit of information about Goan transport as well. Check this out. From our home we went far away to a place called Ponda in Old Goa, और यहाँ पे था Basilica of Bom Jesus. As you can see, this is a beautiful architecture here and that is what mesmerized us. वैसे तो अंदर फ़ोटो लेने दे ही नहीं रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करके आप लोगों के लिए कुछ फ़ोटोज़ ले ली. Later that same evening. So this is the famous Tito's Lane. जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी चहल पहल है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट्स भी है. यहाँ वी जस्ट डिस्कवर्ड गोवन काजू होलसेल डिपो. ट्रेन है, यहाँ पे आप गाड़ी ला सकते हैं अंदर. अंदर आगे राइट साइड में एक पेड पार्किंग है.